रिम्स प्रबंधन द्वारा रिम्स परिसर से दवाई दोस्त को हटाए जाने का फैसला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में आज FJCCI सिविल सोसाइटी और दवाई दोस्त के संचालक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि रांची की 99% जनता ये चाहती है कि रिम्स में दवाई दोस्त खुली रहे, उसे वहां से हटाया ना जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि समय समय पर रिम्स प्रशासन और दवाई दोस्त के बीच पत्राचार होता रहा, कभी कोई भी ऐसी बात या संकेत नहीं मिली कि दुकान हटाई जानी है, बल्कि 2020 में इस दुकान की सेवा से प्रभावित होकर इसके विस्तार का आदेश भी दिया गया था। विस्तृत नई दुकान का उद्घाटन तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और रिम्स डायरेक्टर ने किया। इस पूरे मामले पर प्रिमसंस एंड बरोलिया ट्रस्ट के ट्रस्टी पुनीत पोदार और राज बरोलिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हम लोग का व्यापार चलता है, ये हैप्पीनेस खरीदने का बिजनेस है, सुख और अपना अपने जमीर को जवाब देने वाला व्यापार है। तो अगर वो वहाँ पे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो मैं अपना समय, पैसा, नेटवर्क क्यों यूज़ करूँगा? उसके लिए मेरा बहुत सारा बिजनेस दूसरा, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। या ये प्रोजेक्ट को हम लोग उठा के बंगाल ले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट उठा के हम दिल्ली ले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट ले जाकर उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। बिहार के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो हमारे काफ़ी क्लोज में पहले याद थे, वो बार बार बोलते हैं बिहार आ जाइए, आपको तो हम सब चीज़ तैयार करके दे देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है गरीब का सेवा करना, वो कर पाएंगे तभी दवाई दोस्त चलाएंगे, व्यापार करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं। पिछले 2-3 साल में काफी दिक्कतें आई हैं और अगर रांची का जो मैं खुद की बात बोल रहा हूँ, मैं इनकी नहीं कह सकता, है ना, अगर रांची का ये डिसीजन है कि गरीबों को सस्ती दवाई नहीं देनी है तो फिर मुझे यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।